हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के ब्लॉग। ऐसे सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। गाइस मेरी बढ़िया। आज आप लोग देखो कितनी प्यारी कार लेके आए भाई। ये अपनी ह्युंडई की क्रेटा। भाई क्रेटा में आपको ना 2023 में पेट्रोल लेना चाहिए, डीजल, ये पता है आपको। मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने सोचा कि ना उसका पार्ट टू भी बना ली जाए। बहुत से लोगों को उसमें ना मुझसे बोला था लोगों ने कि भाई ये चीज़ आप गलत बता रहे हो, एक दो चीज़ें गलत बताइए। तो भाई मैं आज उन सब चीज़ों का मैंने जवाब दे दूंगा इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो शुरू करते हैं कि क्रेटा को पेट्रोल लेना चाहिए डीजल। तो पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा दूं। भाई ये रही अपनी क्रेटा। भाई देखो जरा मैंने कितनी सफाई से इसको रख रखी है, देख लीजिए। एक धूल नहीं है इसके ऊपर यार, मैं इसको इतना प्यार करता हूँ अपनी क्रेटा को। ये देख लीजिए, पहले मैं आपको गाड़ी दिखा दूं फिर वीडियो शुरू करते हैं। सनरूफ वगैरह एंड रियर से भी देख लीजिए भाई अपनी क्रेटा को, कितनी प्यारी लग रही है भाई। एंड साइड से भी देख लीजिए। तो आइए गाइस वीडियो शुरू करते हैं कि क्रेटा को पेट्रोल लेनी चाहिए या डीज़ल। सबसे पहले दोनों के प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। पेट्रोल के पहले बता देता हूं कि उसके प्लस पॉइंट क्या है पेट्रोल के। अगर आप पेट्रोल लेते हो तो जैसे कि अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हो, इसमें आता है क्रेटा के अंदर 1.5 पेट्रोल आता है, इंजन नेचुरल इंजन बोलते हैं जिसको। एक 1.4 टर्बो DCT भी आता है, उसके बारे में ये बात करेंगे इसमें। बाकी मैं पहले मैं नेचुरल वाले की बता देता हूँ। अगर आप इसमें नेचुरल इंजन लेते हो, जो मैंने ले रखा है, इसका प्लस पॉइंट ये है कि 15 से 20 साल आप अपने पास ये गाड़ी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली और ना ही गाड़ी के अंदर कोई प्रदूषण है। भाई ये चीज़ तो आपको तो पता ही, पेट्रोल में तो नाम भर का भी नहीं होता भाई, वो बिल्कुल भी नहीं आता। ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है, पेट्रोल हमेशा फ्री देता है भाई। पहला प्लस पॉइंट तो यही है, आप इसको कितने ही साल रख लो। दूसरा प्लस पॉइंट ये है, इसमें कोई ऐसी वो होती ना जैसे डीजल में बदबू उड़ती है, इसमें ऐसा पॉल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं आता। दूसरा प्लस पॉइंट ये है। तीसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि गाड़ी आपको बहुत रिफाइंड मिल जाती है, गाड़ी चालू रहती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई गाड़ी चालू भी है या बंद है, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा गाइस, इतनी रिफाइंड है भाई ये इंजन। मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल नेचुरल इंजन की बात कर रहा हूँ, 1.5 नेचुरल इंजन की। और गाइस देख लीजिए गाइस, मैंने आपको दो तीन चीज़ें मैंने इसकी बता दी आपको कि भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा इंजन है भाई, बहुत अच्छा है। मतलब इसमें जो रिफाइंड है ना, रिफाइनमेंट मुझे इसकी काफ़ी प्यारी लगती है। हुंडई वाले ये बहुत गजब चीज़ देते हैं भाई, ये बहुत रिफाइंड इंजन आपको देखने को मिल जाता है। ये 1.5 पेट्रोल नेचुरल की बात हो गई। और माइलेज की बात करें तो भाई इसका मतलब मैं उसको बताता हूँ माइनस पॉइंट। तो भाई माइलेज ये सबसे पहला इशू इसका कि माइलेज तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। आइए मैं भी आपको दिखा देता हूँ भाई कैसा एवरेज दे रही गाड़ी। अभी मैं इसको चला के आया हूँ AC बंद करके। AC बंद करके मैं 19 का एवरेज निकालता हुआ आया हूँ, वो भी यहीं पे ही देख लीजिए। 3 किलोमीटर चला हूँ मैं अभी और 19 का एवरेज निकालता हुआ हूँ AC बंद करके। AC अगर मैंने गलती से भी चला ली ना तो 12 से कम का एवरेज मुझे देगी नहीं, मतलब 12, 10, 11, 9 ऐसा एवरेज देगी भाई ये। पेट्रोल के अंदर तो क्रेटा बिल्कुल भी मत लेना गाइज, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इसका यही है। अभी इसके अंदर 2000 का पेट्रोल में डलवा के 3 दिन घूम लिया ना, बिना AC बंद करे AC घूम लिया, और ये इतनी जल्दी पी जाएगी कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा, बहुत जेब पे भारी पड़ेगा आपके क्रेटा 1.5 पेट्रोल। इसका ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है भैया, गाड़ी ले रहे हो तो गाइस पेट्रोल में ये इंजन तो बिल्कुल भी मत लेना, बहुत ही घटिया है भाई। और बात कर लेते हैं उसकी टर्बो की। टर्बो में आपको ना बस वो मिल जाता है 1.4 टर्बो आता है, जिसमें ना पावरफुल मिल जाएगा, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ होता है, DCT ट्रांसमिशन के साथ वो आ जाता है, पावर उसमें बहुत दबा के रहती है भाई। जो पैसे वाले हैं ना, सिर्फ वो ही जाके DCT या ये पेट्रोल इंजन ले सकते हैं। बाकी ऐसे नॉर्मल अगर कोई बेचारा फैमिली वाला सोचे, नहीं नहीं वो तो सेल्समैनों को तो भाई आदत है आपके ऊपर गाड़ी थोपने की, वो तो ऐसे करेंगे आपके साथ। अगर आप गाड़ी लेने जाओगे बोलोगे और भाई डीजल बंद हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमका, और ऐसे करके आपको डरा के आपको वो पेट्रोल कार बेच देंगे, जैसे कि मेरे माथे पड़ी हुई है ये गाड़ी। ये तो भाई मेरी खुद की गलती से आई है, जबकि मुझे समझता डीजल मिला था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं खुद ही बेवकूफ़ बन के ये ले आया पेट्रोल। और आज इसमें बिल्कुल भी माइलेज नहीं है, आपको जो दिखा रही ना 19 एकदम नकली एवरेज दिखा रही है। अभी आप इसका ना पंजा दबा के चलाओगे ना, इसको एकदम से पीना शुरू कर देगी। अभी आते जाते ही 203 पे मैंने इसको निकाला था भाई, देखो 199 कर दी इसने रेंज, कितनी जल्दी पी ली, 3 किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर की रेंज भी उड़ा दी इसने। ये चीज़ सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है भाई, पेट्रोल ले रहे हो तो भाई ये सोच समझ के लेना। और बहुत से भाई मुझे ये कह रहे हैं कि भाई बहुत से लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल गाड़ी बिल्कुल सही है भाई, ऐसे कैसे बोल रहे हो, आगे जाके डीजल बंद हो जाएगा। भैया डीजल कहीं नहीं बंद होने वाला, वो तो सेल्समैन तो फेंकेगा आपको कि ना भैया डीजल ही लेना, वो पेट्रोल ले लो आप तो यार, डीजल आने वाले समय में बंद हो जाएगा ऐसे बोलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, डीजल बंद नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सब जगह से कन्फर्म कर लिया, उसमें यूरिया लेवल आ जाएगा भाई गाड़ी के अंदर पेट्रोल लेट्रोल से,
जितना बच के रहोगे उतना ही सही है भाई, आपका बहुत पैसा चला जाएगा। बहुत से लोग तो ये एडवाइस देते हैं, अभी मैं खुद ही सेल्समैन के पास जाके उनको घुमा के बोलता हूँ, भैया मुझे गाड़ी लेनी है क्रेटा में, पेट्रोल में डीजल, वो मेरे को भी इतना घुमाते हैं। कहते हैं नहीं नहीं आप तो एक काम करो, क्रेटा पेट्रोल में ले लो, मस्त एवरेज एवरेज मिल जाएगी। मैंने कहा वो तो मुझे पता ही है कितनी एवरेज एवरेज दे रही है वो। बोलते हैं नेचुरल इंजन ले लो, मिल जाएगा, घंटा एवरेज मिलेगा। गाइस ये तो बस आपको थोपेंगे, आपको इस चीज़ से बचना चाहिए, आपको डीजल ही लेना चाहिए, पेट्रोल तो बिल्कुल ही मत लेना। और रही बात 1.4 टर्बो की, अरे हाँ गाइस मेरे को एक कमेंट भी आया था इसमें, मैंने इस वीडियो में ये बताया था कि अभी गाड़ी अंडर पावर भी बहुत है ये 1.5 नेचुरल वाला, तो मेरे को किसी ने कमेंट किया अरे भाई तेरे को लग रहा है कि भाई गाड़ी बहुत नेचुरल है तो तू टर्बो लिया था। अरे भाई ये चीज़ समझ ही नहीं रहे हो कि मैं माइलेज की बात कर रहा हूँ, ये ही नहीं दे रहा 1.5 नेचुरल होके और साथ में अंडर पावर होके ही एवरेज नहीं दे पा रही, तो वो क्या दे देगी मुझे टर्बो में, क्या 2-3 का एवरेज लेके घूमूंगा मैं। ये चीज़ समझनी चाहिए गाइस, कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए इंसान को। मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में उनका भाई जवाब भी दे दूंगा मैं, ये चीज़ से आपको बचना चाहिए भाई। देख लो प्लस पॉइंट तो इसके ये हैं कि इसमें कोई प्रदूषण वदूषण नहीं है, रिफाइंड तो बहुत ही अल्टीमेट रिफाइंड है, इलेक्ट्रिक कार के लिए एक तरीके से इसको चालू करके रखोगे आपको आवाज़ ही नहीं आएगी। मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, गाड़ी चालू भी है इग्निशन ऑन है इसका, ये चीज़ में तो भाई मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। ये चीज़ तो भाई गाड़ी की मैं खुद कह रहा हूँ 100% बहुत बढ़िया है, इस चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर, काफ़ी पैरी भी चल जाती है ये। जैसे भाई आपकी बात आती है रनिंग की, जैसे अगर आपकी रनिंग पर गई, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि मेरी रनिंग तो है नहीं, फलाना ढिमका क्रेटा पेट्रोल में मिलता, पर गई ये पेट्रोल में ही इतनी अच्छी चलती है, तो भाई डीजल में कितनी प्यारी, मतलब मैंने चला के देख रखी है, मतलब आप अभी इसको चलाओगे ना आप तो आपकी आदत बन जाएगी इसको चलाने की, बहुत ज़्यादा आदत बन जाएगी, आपको इतना मज़ा आएगा भाई क्रेटा पेट्रोल चलाने के अंदर कि आपको मज़ा आ जाएगा। चाहे आप इंजन कुछ भी ले लो, पेट्रोल या डीजल चलता तो बहुत प्यारा है, दोनों ही बहुत प्यारे चलते हैं, हालांकि नेशनल पेट्रोल तो थोड़ा सा अंडर पावर चलता है, बाकी डीजल बहुत ही गजब है भाई इसका, मैंने चला के देख रखा है काफ़ी ज़्यादा प्यारा चलता है। आपको तो पता होगा मैं क्रेटा से बहुत प्यार करता हूँ, पेट्रोल तो क्या हुआ, फिर भी गाइस मैंने इसको अपने पास रख रखा है। इसके अलावा मैंने अपनी सोनेट डीजल ली, देख लीजिए गाइस इतना बड़ा प्रूफ है, मैं खुद बता रहा हूँ कि भाई मुझे इसमें एवरेज नहीं मिल रहा था, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इसकी प्रोज एंड कॉन्स की, वापस से बना रहा हूँ इसीलिए ताकि भाई आप लोगों को सही डिसीजन दे दूँ, क्योंकि पैसा हर किसी के पास कोई फ्री का नहीं आता भाई, कितनी मुश्किल से कमाया जाता है पैसा, पेट्रोल गाड़ी लेके आ जाते हैं फिर घर पर आके रोते हैं, अरे यार माइलेज नहीं दे रही, इतना तो अपन कमा रहे हैं सारा ठुके ही जा रहा है ठुके ही जा रहा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए गाइस, आपके पैसे बच जाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, ताकि जो मेरे से गलती हुई वो आपसे नहीं हो। मैं इतना पछताता हूँ, मेरी इतनी खूबसूरत कार है गाइस, आप देखो बाहर से मैंने इसको कितना सजा रखा है, अलॉय वगैरह लगवा रखी है मैंने इसके अंदर, ये सब देख लीजिए कितनी एक्सेसरीज वगैरह मैंने सब कुछ लगवाया इसके अंदर, क्योंकि इस कार को मैं बहुत प्यार करता हूँ। और अगर आप पेट्रोल क्रेटा को अगर आप बेचोगे भी ना, चाहे वन DCT हो चाहे नेचुरल वाला हो जो मेरे पास है, इतनी सड़ी रेट आपको देंगे कि आपकी जान जल जाएगी भाई, इतनी भयंकर सड़ी रेट देंगे आपको, कुछ नहीं होगा सेल्समैन को, तो भाई गाड़ी बेच के आपके सर पे माथा मारनी है पेट्रोल कार, इसलिए कह रहा हूँ गाइज पेट्रोल गाड़ी से तो बचिए भाई। और अगर जिनकी रनिंग गाइज मैं बता दूँ, बहुत से बहुत वो घूमते हैं, एक महीना चलाएंगे तो एक महीने 40 या 100 किलोमीटर ही चलेगा, 1 किलोमीटर मतलब क्या बोलते हैं, एक महीने में जैसे किसी की रनिंग है 500-600 किलोमीटर, जैसे एक महीना गाड़ी खड़ी रखेंगे एक महीने में जाएंगे, तो भले आप ये ले सकते हो अगर आपको खड़ी रखनी है तो, मैं नहीं तो आप वही डीजल ही लेना, मेरी बात मानो, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था कि भाई ये वो वगैरह पेट्रोल वेट्रोल तो चला लेंगे झेल लेंगे, ऐसे सोच रहा था। गाइस मैं जब इसने पीना शुरू किया तो पूरी भाई क्या बताऊँ ऐसा हो गया भाई, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा यार अभी डलवा रहा हूँ 2000 का एक ही दिन में ख़त्म, इतना दम रखती है, सिटी में गलती से ही मत ले जाना इसको भाई, सिटी के अंदर क्रेटा पेट्रोल आपके पास होगी ना तो उसमें आप ऐसी चला के दिखा दो, मैं मान जाऊँगा आपको कि 10 का एवरेज नहीं दिया था, 10-9 का एवरेज और किलोमीटर तो वैसे कट 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 कर अंदर भी बच जाएगी कि भाई लो पेट्रोल डलवा, इसलिए भाई मैं इससे इतना परेशान हो गया था क्रेटा से, इसकी वजह से और खर्चा करके मुझे डीजल गाड़ी लानी पड़ी कि या सोनेट, आपको पता ही होगा मेरे पास STH डीजल है, इसकी वजह से मैं उसको लेके आया हूँ गाइस, इसलिए मैंने सोचा कि ना आपको सही डिसीजन दे दूँ। बाकी पेट्रोल के प्लस पॉइंट तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया, मैं इतना घुमाऊंगा नहीं गाइस वीडियो में, जैसे मैं पहले बता रहा था इसमें ये होता है पेट्रोल में वो गलत है इसमें ये, मैं तो सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ ठीक है गाइस। पेट्रोल में माइलेज तो अगर आप पेट्रोल क्रेटा ले रहे हो चाहे DCT हो चाहे नेचुरल हो तो माइलेज तो बिल्कुल ही भूल जाना, नहीं मिलेगा माइलेज। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तो आप संभाल सकते हो तो भले आप ले लो, फिर किसी की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपके पास फुल पैसा है तो आप संभाल सकते हो भाई गाड़ी, क्योंकि पैसे वाला ही भाई इस गाड़ी को संभाल सकता है। अभी 11,500 को चल गई है, मेरे को पता है ना कि मैंने कितना इसको ना मतलब किसे चलाया है, ये मेरा दिल जानता है गाइस कि अभी इसके अंदर मैं जब भी अपने फ़ोन पे वगैरह मैं चेक करता हूँ ना कि मैंने कितने पैसे दे दिए गाइस, क्या बताऊँ 1,00,000 रुपये से भी ऊपर का जा रहा है, 2.5 लाख रुपये तक का मैंने इसमें पेट्रोल डलवा दिया गाइस, मुझे पता तक नहीं था इतनी बकवास गाड़ी है भाई ये नेचुरल पेट्रोल इंजन, तो इतनी नफरत हो गई ना मुझे पेट्रोल गाड़ी से ही, क्या ही बताऊँ आपको, तभी तो मैंने परेशान होकर अपना सोने डीजल ले ली,
मैंने तो भाई अपने आपको सेटल कर लिया, बस जो बेचारे नए नए लेने के लिए जाते हैं ना गाड़ी, ये सोचते हैं भाई क्रेटा मिल रही है भाई अपन को क्या है, पेट्रोल भरवा लेंगे, लेकिन भरवाते हैं तो फिर देखो वो कांच दिखने होंगे नीचे, ऐसे दिखने लग जाएंगे, कांच नीचे हो जाएंगे और गर्मी में जाओगे, क्योंकि भाई गाड़ी इंसान लेता है सुख के लिए कि भाई एसी एसी चला के थोड़ा घूम ले, और एसी चलाने नहीं देगी आपको इतनी जल्दी जल्दी पिए, इतनी जल्दी जल्दी पिए कि आप पागल हो जाओगे भरवा भरवा के। इसलिए मेरा डिसीजन तो यही है, अगर आप क्रेटा ले तो डीजल ही ले भाई, पेट्रोल वेट्रोल ना ले, अगर रनिंग बिल्कुल भी नहीं है तो भले आप ले सकते हो ये क्रेटा पेट्रोल, बाकी अगर आप पैसे वाले भी हो तो भी आप ले सकते हो उसको। बात करते हैं डीजल की प्लस पॉइंट की, डीजल का प्लस पॉइंट तो बहुत है, पावरफुल भी हो रहा है। देखो भाई डीसीटी आपको लेने की ज़रूरत ही क्या, जबकि डीजल ही तो अच्छा है, मतलब डीजल इंजन ही आपको पावरफुल भी वही मिल जाएगा, माइलेज भी वही दे रहा है, सब चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। डीजल ऑटो ले लो, अगर आपको क्रेटा चाहिए तो टॉप डीजल ऑटो भी आता है वो आप ले लो, उसमें सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। मतलब बहुत से लोग कहते ना कि डीसीटी ले लेते भाई डीसीटी में तो पावर मिल जाएगा, तो पावर तो भाई इसमें मिलता, हालांकि मानता हूं थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आपको उसमें माइलेज तो मिल जाता ना, ये चीज़ भी अच्छी लगती है, वो आपको माइलेज भी दे देगा और साथ में ना पावर भी काफ़ी अच्छी है डीजल की, 250 NM का टॉर्क और 116 PS की पावर आ रही है इसके अंदर। अब इन लोगों ने PS चेंज करा, पहले 115 PS का आता था भाई, अब 116 PS हो गया, ये चीज़ भी चेंज कर दी। तो इसलिए गाइस मैं आपको कह रहा था कि भाई सही गाड़ी लो, क्योंकि भाई हर किसी के पास कोई फ्री का पैसा नहीं होता है, ये सेल्समैन और ये सब तो भाई गाड़ी बेचने वाले हैं, इनको तो कहीं करना है, इनको तो सिर्फ गाड़ी बेचनी है और आपके माथे मारनी है पेट्रोल गाड़ी। इसलिए गाइस मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मैंने कैसे चलाई, ये देख सकते हो 11,510 किलोमीटर इसको कैसे चलाया, ये मेरा दिल जानता है कितना पिया है भाई इसने पेट्रोल, इससे परेशान हो गई तो मैंने वो ली किया सोनेट, आपको पता है आपने देखी होगी किया सोनेट अपनी। और अब सेलिंग की बात करता हूँ, इसको बेचता हूँ, बेचने के उसमें तो पैसे फूटी को ढंग के नहीं देते, कहीं सुनते ही जान जल जाती है, कहाँ 17 लाख की कार लाए और कहाँ 12 लाख में बेच रहे हैं, ऐसा कोई होगा क्या यार, बिल्कुल किसी के बेचा नहीं जाएगा भाई। इसलिए भाई ऐसी चीज़ लो ही मत कि आपको बाद में बेचने की नौबत आ जाए। इसलिए मैंने सोचा भाई एक पेट्रोल गाड़ी घर में रखी तो कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेंगे, बाकी अपने पास डीजल आ गई किया सोनेट, इसलिए भाई मैं तो सेटल हो गया, आप कोई गलत चीज़ ना ले लो। इसलिए मैंने ये वीडियो वापस बनाई है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए मैंने, इस बार मैंने साफ साफ बताया, मतलब पहले तो मैं आपको बहुत ऐसा बता रहा था कि इसमें पेट्रोल में ये प्लस पॉइंट है, इसमें ये माइनस पॉइंट है, पेट्रोल में तो सीधा सीधा आपको बता दिए। डीजल का तो भाई आपको माइलेज वगैरह भी काफ़ी प्यारा मिल जाता है, इसमें 6,000 RPM आता है, इसमें 8,000 RPM काफ़ी सही चीज़ है भाई, पावर भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, डीजल पावर भी आपको डीसीटी की कमी भी वही दूर कर देगा, आपको उसमें माइलेज भी मिल जाएगा मस्त वाला और पावर भी मिल जाएगी। और DPF इशू का तो अब नाम ही नहीं आता क्योंकि BS6 Phase 2 वाली गाड़ियाँ आ गई, यूरिया लेवल डल रहा है क्रेटा के अंदर भी, इसलिए भाई अब तो दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। रही बात उसकी कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई डीजल बंद हो जाएगा, डीजल वीजल कहीं बंद नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जगह से मैंने देख लिया, जितना रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हो 15 साल का रजिस्ट्रेशन ले लेना, आराम से चलाओ वही 15 साल गाड़ी, वैसे भी 15 साल तक कौन ही चलाएगा, 5-6 साल ही चला के फिर अपन दूसरी गाड़ी देख लेंगे, ऐसी चीज़ मैंने भी सोची, इसलिए आपको सही डिसीजन दे रहा हूँ। और हाँ गाइस डीजल का ये तो बता दूँ कि माइनस पॉइंट क्या है, अभी तो डीजल का एक भी माइनस पॉइंट नहीं है, तो मैं साफ बताऊँ रिफाइंड भी वो बहुत रहता है, ऐसा नहीं कि भाई ये नेचुरल पेट्रोल ही आपको रिफाइंड मिल जाएगा, वो भी बहुत प्यारा है, रिफाइंड है, मेरे पास किया सोनेट 1.5 डीजल है, आपको पता ही होगा इतना रिफाइंड है कि मुझे समझ भी नहीं आता भाई ये भी इतनी रिफाइंड है, एसी चलाता हूँ तब कहीं जाके थोड़ी सी आवाज़ आती है, बाकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती गाड़ी, इतनी रिफाइंड है भाई वो हुंडई और किया, ये चीज़ तो बहुत अच्छी करते हैं भाई, जिसके लिए तो मैं भी इनसे बहुत खुश हूँ कि इंजन जो है ना बहुत रिफाइंड देते हैं। तो गाइस ये चीज़ थी भाई मैंने आपको बता दी, अभी तो डीजल के अंदर एक भी माइनस पॉइंट नहीं है, पहला एक ही माइनस पॉइंट था DPF इशू आता था, लेकिन अब तो दूर दूर तक नहीं आता वो, क्योंकि उसमें BS6 Phase 2 यूरिया लेवल की वजह से अब उसमें से वो हट गया, DPF इशू अब नहीं आएगा। तो गाइस ये मैंने आपको साफ साफ बता दिया, अगर आप देखो मैं तो साफ सुथरी बात में बोल दूँ, अगर आप पैसे वाले हो आप संभाल सकते हो पेट्रोल गाड़ी तो भले आप ले लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल गाड़ी भी बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, बस संभालने वाला होना चाहिए, जिसके पास फुल मनी हो भाई वो ही संभाल सकता है इसको, नहीं तो ऐसे करते हो भाई कोई नहीं संभाल सकता है इसको, हर कोई नॉर्मल बेचारा कमाएगा कि इसमें डलेगा सारा, ये चीज़ आपको बहुत भारी पड़ेगी, ये चीज़ मैंने साफ साफ बता दी आपको, अगर आप संभाल सकते हो तो ले लो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो भाई मेरा डिसीजन तो यही है कि डीजल ही लो भाई, डीजल बहुत पावरफुल गाड़ी है, आपको बहुत मज़ा आएगा, एक बार टेस्ट ड्राइव लेके चला के देख लेना, फिर आपको मेरी बात याद आ जाएगी। और डीजल अभी ले रहे हो अगर आपने बुक करवाया पेट्रोल क्रेटा तो अभी कैंसिल करवा दो, और डीजल बुक करा तो भले ही इंतज़ार करना पड़े, कर लो यार सबर का फल मीठा ही होता है, आपको इतना एवरेज मिलेगा और खूब मस्त एसी में घूमोगे, आप मेरे को दुआ दोगे कि भाई बहुत अच्छा डिसीजन दिया भाई ने। और गाइस देखो वीडियो में कितनी धूप में बना रहा हूँ, तो इस मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक तो बनती है, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करो भाई को और वीडियो आगे से आगे शेयर भी कर दो। और गाइस ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गला बस हो गया गाइस, एक लाइक तो ज़रूर करना।